ये भी सवाल है, लेकिन बीजेपी के मिलिंद नरोटे को 1839 वोट की बढ़त गढ़चिरौली से, तो एक तरीके से झारखंड में भी बीजेपी के लिए फिलहाल अगर रुझानों की बात करें तो अच्छी खबर दिख रही है। एग्जिट पोल ने हालांकि कुछ और दिखाया था, लेकिन यहां पर जो रुझान आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही तरफ से अच्छी खबर। एक बार हेडलाइन के साथ शुरुआत कर लेते हैं और उसके बाद लगातार चुनाव की ब्रेकिंग जो है वो आती रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री धुले से, जहां से उन्होंने चुनाव अभियान की शुरुआत की थी, वहां पर बीजेपी के लिए फिलहाल अच्छी खबर आती धुले की है। 5 सीटों पर, विधानसभा सीटों पर बीजेपी आ गया है, जहां से हम बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यहीं से जो है प्रचार की शुरुआत की थी। बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो इस लोकसभा चुनाव में धुले की एक विधानसभा सीट पर बीजेपी 1,96,000 वोटों से पिछड़, 2 लाख वोट जो है वो मिले थे कांग्रेस को और बीजेपी वहां पर इंडी गठबंधन को, और बीजेपी वहां पर जो है 4,000 वोटों से हार गई थी। करहल, सभी करहल और समाजवादी पार्टी का भी एक रुझान दिखाई दे रहा है, तेज प्रताप आगे चल रहे हैं। हालांकि इस सीट को लेकर बार बार रामगोपाल यादव हो या शिवपाल यादव हो, उनकी तरफ से बार बार रीपोलिंग की बात कही गई थी, लेकिन करहल से फिलहाल समाजवादी पार्टी के तेज प्रताप आगे चल रहे हैं, कामठी से बीजेपी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और देखिए टैली भी लगातार बदल रही है, बीजेपी 63 सीटों पर फिलहाल आगे दिखाई दे रही है। एक बार टैली की तरफ भी निगाह दौड़ाते हैं, उसको 11 सीटों का इस वक्त पिछली बार से अब तक फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, और शिवसेना 19 सीटों पर आगे चल रही है, 4 सीटों का फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ये जो टैली दिख रही है 128 सीटों के रुझान की तरफ, जिसमें झारखंड में भी देखना चाहिए, झारखंड में 21 सीटों पर और 81 में से 21 सीटों पर बीजेपी ने अगर रुझान बना लिया है तो फिर इसका मतलब है कि बड़ी जीत की तरफ वहां पर बढ़ती दिख रही है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं शुरुआती रुझान है, हरियाणा का एक्सपीरियंस हमारे सामने है, बहुत जल्दबाजी मत कीजिए, हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। एक और खबर, अशोक नाना पटोले कांग्रेस के अध्यक्ष, वो इस वक्त पीछे चल रहे हैं, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेरे यानी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी महाविकास अकाड़ी की जब बनेगी, लेकिन और दावा भी आज वो पेश करने वाले थे, उन्होंने कह दिया था रिजल्ट आएंगे सीधे सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, खुद अपनी सीट से फिलहाल वो पीछे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिर कह रहे शुरुआती रुझान, चलिए आगे बढ़ते रहेंगे, आपको लगातार ये दिखाते रहेंगे रुझान और नतीजे आपको दिखाते रहेंगे। इस वक्त नजर डाल लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां क्या है, जल्दी से सुर्खियों पर नजर डालें, और हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और हम तमाम ग्राउंड से आपको रिपोर्ट देते रहेंगे। नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर, महायुति या महाविकास अघाड़ी किसके हाथ में होगी महाराष्ट्र की चाबी, रुझानों में फिलहाल महायुति को बढ़त, अघाड़ी की हालत खराब। झारखंड चुनाव के नतीजों के लिए मतगणना जारी, शुरुआती रुझानों में हेमंत सोरेन पिछड़े, बीजेपी 20 सीटों पर आगे। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर योगी की रणनीति का दिख रहा है कमाल, अखिलेश की साइकिल पीछे, वायनाड और नांदेड़ लोकसभा सीट पर भी फैसले का दिन।